हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क दलिया, जो लो कैलोरी है और बहुत बहुत हेल्दी है। इसे ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, तो मैं बता दूँ आपको ये कैसे बनता है। तो पहले हमें दलिया को रोस्ट कर लेना है। इसके लिए हमने एक पतीला ले लिया है और उसमें हमें 2 चम्मच भर के घी डालना है। आप इसे प्रेशर कुकर या फिर किसी और पैन में भी बना सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए तो हमें उसमें 1 बाउल भर के दलिया डाल देना है। ये हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो तो फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप एक बार इस तरीके से मिल्क दलिया बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। दलिया में ही हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल लेंगे और उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि दलिये में गोल्डन ब्राउनिश कलर नहीं आ जाता। इससे हम दलिये की खिचड़ी भी बना सकते हैं। हम आपके साथ उसकी रेसिपी भी जल्द ही शेयर करेंगे। दलिये में जब गोल्डन ब्राउनिश कलर आ जाए तो हमें उसमें 1 लीटर के करीब दूध डालना है। दूध डालने के बाद हमें इसे उबाल आने तक लगातार चलाते रहना है ताकि दूध फट ना जाए। आपके साथ हम सुपर इजी तरीके से मिल्क दलिया की ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे बनाने में केवल 10 से 15 मिनट लगेगा। आपको अगर इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो फिर आप इसमें 1 ग्लास के करीब वाटर भी डाल सकते हैं। फिर हमें लो फ्लेम पे इसे उबाल आने तक ढक के अच्छे से पका लेना है। देखिए, दूध उबल गया है। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं, केवल 8 से 9 मिनट तक अच्छे से ढक के पका लेना है और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। थोड़ी थोड़ी देर पर हमें इसे चेक करते रहना है कि दलिया जल तो नहीं रहा नीचे से। दलिया अच्छे से पका है या नहीं पका है इसे चेक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। थोड़े से दलियों को लेके हमें हाथों से इसे इस प्रकार मसलना है। इसे छूते ही पता लग जाएगा कि अभी कच्चा है या पक गया है। तो ये दलिया अच्छे से पक गया है, लेकिन चीनी अभी हम नहीं डालेंगे। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर हम इसमें 200 ग्राम के करीब चीनी डाल देंगे। आप चीनी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो टेस्टी मिल्क दलिया रेडी है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे हमने बाउल में निकाल लिया है और हमने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे बाद में गार्निशिंग करने के लिए, हम इसे उसके ऊपर अच्छे से गार्निश कर देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।